Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on extraction in galenicals. It is the part 3. We will discuss about percolation methods, introduction and the types. That is simple percolation, then percolation of concentrated preparation. नीवेज फॉर प्रीवियस पार्ट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टार्टिंग विथ द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्कुलेशन तो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है इट इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पर्कुलेशन उसके बाद मेथड्स में वेरिएशन आता है सो द बेसिक प्रिंसिपल फॉर परकुलेशन मैथड इज़ इट इज द प्रोसेस इन विच द कम्युनेटेड ड्रग इज़ एक्सट्रैक्टेड of its soluble constituents बाय द स्लो पैसेज ऑफ suitable solvent थ्रू अ कॉलम ऑफ ड्रग आपका क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो भी हर्ब extra हर्ब ड्रग्स है जिससे आप extraction करोगे हर्ब से जो भी नेचुरल substances है उससे सबसे पहले तो आपको कम्युन कम्युनिएट करना पड़ता है यानी कि आपको उसको साइज रिडक्शन करना पड़ता है पहले उसका साइज रिडक्शन करने के बाद उसके थ्रू आप धीरे धीरे जो है पर्टिकुलर सॉल्वेंट को पास कराते हो मतलब उसे आप किसी जनरली इसके लिए परकोलेशन के लिए स्पेशल एप्रटिजेस आते हैं परकोलेटर जिसके अंदर आपको जनरली उसे रखना होता है एंड रखने के बाद आप उसमें जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने देखा तो परकोलेटर का पिक आपने देखा होगा दैट वाज कोनिकल परकोलेटर सो उसी तरह से आपके परकोलेटर्स जो हैं होते हैं जहाँ पर आपके ड्रग को अंदर रखा जाता है एंड नीचे परकोलेटर के स्टॉपर जनरली होता है तो आपको करना क्या होता है कि ऊपर से आप मैंस्ट्रोम डालते हो दैट इज़ सॉल्वेंट जिससे आप एक्सट्रैक्शन करोगे मैंने मैंस्ट्रोम के बारे में पहले भी बताया है तो जिससे आप एक्सट्रैक्शन करोगे सॉल्वेंट को आप डालते हो एंड धीरे धीरे नीचे के स्टॉपर से आपका ड्रग से वो जो सॉल्यूबल आपका सब्सटेंस है वो मेंस्ट्रम यानी कि सॉल्वेंट के साथ घुलते जाता है डिसॉल्व होते जाता है एंड जो डिज़ोल्व सॉल डिज़ोल्व सब्सटेंस होता है वही आपका सॉल्वेंट के साथ नीचे स्टॉपर के ओपनिंग से नीचे आपका कलेक्ट होता है ओके सो बेसिकली यहाँ पे आपका यही है कि सॉल्वेंट को आपको डालना होता है आपके ड्रग के ऊपर एंड ड्रग में जो सोल्यूबल uh, सब्सटेंसेस होते हैं दैट कम्स आउट ऑफ द ड्रग मतलब जो आपका एक्सट्रैक्ट जिसको करना है मान लीजिए कि आपको कोई भी सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करना है अल्कोलॉयडल ड्रग या कुछ तो आपको देखना है कि अल्कोलॉयस सोल्यूबल किस में फॉर एक्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अल्कोलॉयड सब्सटेंसेस जो है वो अल्कोहल में सॉलीबल है तो आप क्या करोगे कि अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट लोगे जिससे क्या हो कि एल्कोलाइड्स उसमें डिज़ोल्व हो जाए तो आपका क्या होगा हर्ब्स में से या जो क्रूड ड्रग है उसमें से आपका जो अल्कोलॉयड्स है वो एल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाएगा नीचे जब आप स्टॉपर खोलोगे स्टॉपर का ओपनिंग से आपका सॉलवेंट बाहर आएगा जिस सॉल्वेंट में आपके एल्कोलॉय्स मौजूद रहेंगे इस तरह से आप एल्कोलाइड्स को एक्सट्रैक्ट करोगे सो so यही मेन प्रोसेस है द ड्रग इज़ पैक्ड इन अ स्पेशल एक्सट्रैक्शन एफरेटस टर्म परकोलेटर एज आई टोल्ड

एंड नीचे की तरफ आपका ज़्यादातर डायफ्राम आपका ओपनिंग वगैरह रहता है द मैंस्ट्रम इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ कॉलम ऑफ द ड्रग एट ए रेगुलेटेड रेट आपका मैंस्ट्रम जो ड्रग से पास होता है दैट इज सॉल्वेंट जो ड्रग से पास होता है उसको आपका स्लो रेट में आपके अकॉर्डिंग रहता है उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप आपका वन वन ड्रॉप आपका ड्रिप होगा बहुत फास्ट नहीं तो आप खुद कंट्रोल करते हो किस रेट के साथ किस स्पीड के साथ आपका सॉल्वेंट गिरे बिकॉज धीरे धीरे आपका सॉल्वेंट बाहर आएगा तभी वो आराम से डिजोल्व करते हुए आएगा अगर मान लीजिए कि आपका ड्रग को पास करते हुए ड्रग के ऊपर आप सॉल्वेंट को डालते हो सॉल्वेंट ड्रग से पास होते हुए आपका नीचे कलेक्ट होता है स्टॉपर से तो अगर आप फास्ट ड्रिपिंग करोगे फास्टली आपका सॉल्वेंट अगर ड्रिप हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा उससे देयर इज़ रिस्क कि उस वजह से आपका सॉल्वेंट जो है वो आपका बहुत जल्दी निकल तो जाएगा और उसमें कम्प्लीटली एल्कोलाइड्स या मान लीजिए जो भी आपको डिजोल्व करना है जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा धीरे धीरे निकलेगा आपका मैंस्ट्रम या सॉल्वेंट तभी उसमें जो एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस है वो डिजोल्व हो पाएगा आपके पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ओके okay? <laughs> तो विच अलाउज़ द मैंस्ट्रम टू डिज़ोल्व द एक्टिव एक्टिव कॉन्स्टेंट एंड गेट सेचूरेटेड सैचूरेटेड होना मतलब पूरी तरह से फिल हो जाना जितना सफिशेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है सॉल्यूबल सब्सटेंस जो हब्स के अंदर है जितना डिज़ोल्व हो सकता है उतना कंप्लीटली डिजोल्व होगा तो सेचूरेट होने के लिए हमें कंट्रोल रेट में उसका जो है ड्रिपिंग करना होता है पास करवाना होता है देन द कम्बाइंड फोर्सेज ऑफ ग्रेविटी एंड दैट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड above impact द saturated मैंस्ट्रम डाउनवर्ड obviously फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आपका काम कर ही रहा है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा है साथ ही साथ लिक्विड का एक कॉलम है ऊपर की तरफ ड्रग के ऊपर से आप लिक्विड डाल रहे हो तो उसका अपना एक वेट है तो ये सब का इम्पैक्ट होता है ये सबके असर के वजह से आपका सैचुरेटेड जो मैंस्ट्रम रहता है एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ सारे चीज़ को खींचता है तो आपका ऑब्वियसली जो ड्रग में मौजूद सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो भी नीचे की तरफ आएगा ही प्लस लिक्विड का जो एक लेयर रहता है वो आप ऊपर तक भरते हो ड्रग के ऊपर बिल्कुल भर के रखते हो मतलब हम जो सॉल्वेंट को एज़ अ मैंनेस्ट्रम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट को हम भरते हैं पूरा ड्रग उसमें भींग जाए कवर हो जाए उतना तो भरती है उसके अलावा एक्स्ट्रा एक लेयर ऊपर रहे लिक्विड का उतना तक भी हम जो है सॉल्वेंट या मैंस्ट्रम को डालते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि वो कम्प्लीटली आपका सॉल्वेंट सेचूरेटेड हो जाता है सैचुरेट होकर आपका नीचे कलेक्ट होता है नाउ टॉकिंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ परकुलेशन प्रोसेस तो बेसिकली आपका सिंपल परकोलेशन प्रोसेस है उसके अलावा परकुलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन जिस केस में आपको जो है डायल्यूटेड पोर्शन नहीं चाहिए आपको बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपका प्रिपरेशन चाहिए उस केस में उसका फिर दो सब टाइप्स है उसके लिए दो कैटेगरीज है दैट इज़ रिजर्व परकुलेशन एज वेल एज मॉडिफाइड परकुलेशन उसके अलावा एक स्पेशल परकुलेशन प्रोसेस होता है जिसके लिए स्पेशल ऐपरेटस चाहिए होता है दैट इज़ कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन जिसके लिए जिसके लिए सॉक्सलेट एपरेटस यूज होता है दस इट इज ऑल्सो नोन एज सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और सॉक्सलेशन सो एनी वेज लेट स्टार्ट विद सिंपल परकुलेशन प्रोसेस सिंपल देर इज मिस्टेक एक्चुअली सिंपल परकुलेशन इट इज इट इज़ नॉट सिंपल मैसरेशन सो नेवर माइंड जस्ट स्किप दैट हेडिंग ऑफ द स्लाइड दैट इज सिंपल परकुलेशन एक्चुअली

यूजवली कॉपर मेटल जो अंदर की तरफ से जनरली टेन का रहता है टेन इन साइड इट इज़ कॉनिकल इन सेफ एज द नेम सजेस्ट इट इज़ कॉनिकल इन सेफ जिसमें आपका क्या होता है जो नीचे का डायमीटर होता है वो ऊपर के डायमीटर के हाफ से कम नहीं होगा ये ध्यान में रखा जाता है कि लोअर डायमीटर ऊपर के डायमीटर के हाफ से कम ना हो देन यहाँ पे क्या होता है इसका एक एडवांटेज ही आप कह सकते हो दैट देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ चोकिंग ऑफ कॉनिकल परकुलेटर इन केस द ड्रग स्वेल्स अप जब ड्रग स्वेलिंग होता है ड्रग्स फूलते हैं स्वेल होते हैं जैसे जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्वेंट्स ड्रग्स के सेल्स के अंदर ड्रग्स के टिश्यूज़ के अंदर एंटर करेंगे तो ड्रग्स आपका स्वेल होगा जो है स्वेल होगा तो उसका साइज ड्रग का साइज जो है इंक्रीज होगा ड्रग जो है फूलेंगे तो फूलने पर क्या होगा कि ऑब्वियसली चांसेस होता है ना कि आपका ड्रग जो है वो ऊपर तक उसका लेयर जो है वो ऊपर तक हुआ है तो यहाँ पे चोकिंग के चांसेस नहीं होंगे मतलब उछल कर बाहर आने के चांसेस नहीं होंगे वाई बिकॉज ऑफ द कोनिकल सेप कोनिकल सेप होने की वजह से स्लोप वाल जो है आपका परकोलेटर का वाल जो है वो स्लोप स्लोपी है तो स्लोप की वजह से क्या होगा कि आपका ड्रग जो है वो स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ ही तो चोकिंग के चांसेस नहीं होते बट देयर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज दैट इज परकुलेटर इज दैट देयर इज अनड्यू लॉस ऑफ मैंस्ट्रम ड्यू टू एपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स बिगर अपर डायमीटर ऑब्वियसली इसका जो डायमीटर है वो ऊपर की तरफ बड़ा है नीचे की तरफ छोटा है मतलब आप वी सेप मान सकते हो इसको वी सेप का होने की वजह से ऊपर की तरफ ज़्यादा पोर्शन और नीचे की तरफ लोअर तो ड्रग ज़्यादातर एक्सपोज्ड होता है वो आपका सरफेस आपका एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा एक्सपोज होता है एंड इवापरेशन जो है ज़्यादा हो सकते हैं जो कि सिलेंड्रिकल वगैरह के केस में नहीं होगी सिलेंड्रिकल केस में क्या होगा वो स्ट्रेट उसका वाल रहता है बट कोनिकल में आपको इवापरेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे ड्यू टू इट्स वी टाइप ऑफ सेप देन आपका नेक्स्ट जो है इट इज़ सिलेंड्रिकल परकुलेटर सिलेंड्रिकल परकुलेटर में क्या है सिलेंड्रिकल सेप का है दैट इज़ अपर एंड लोअर डायमीटर आर सेम

उससे जब आपका सोल्यूबल ड्रग ईजिली ना निकले वैसे केसेस वाले ड्रग को आपको सिलेंड्रिकल में लेना होता है जिनमें स्वेलिंग ईजिली नहीं होता है वैसे केसेस में आप उसको सिलेंड्रिकल परकुलेटर में रखते हो वैन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल और एनी अदर वॉलेटाइल सॉलवेंट इज़ यूज मैंस्ट्रम सिलेंड्रिकल परकुलेटर इज प्रिफर अगर आपका वॉलटाइज सबस्टांसिस जैसे एल्कोहल वगैरह को एज ए सॉलवेंट आप लेते हो एक्स्ट्रैक्शन के लिए तो भी आपको ये यूज़ करना क्यों क्योंकि जनरली ये जल्दी इवॉपोरेट होते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कोनिकल में इपरेशन जल्दी हो जाता है इन कंपेरिजन टू सिलेंड्रिकल इस वजह से सिलेंड्रिकल परकुलेटर इन केसेज में ज़्यादा बेटर होता है देन टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप देट इज स्टीम जैकेटेड परकुलेटर तो स्टीम जैकेटेड परकुलेटर में क्या होता है स्पेशल केस में इसको यूज़ किया जाता है वैन परकुलेशन इज़ कैडिड एट हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सोलवेंट एक्चर ऑफ द मैंस्ट्रम दर्कुलेटर इज हीटेड बाई स्टीम जब आपको हीट भी देना हो साथ ही साथ पर्कुलेशन के दौरान तो आपको स्टीम जैकेटेड परकुलेटर देना होता है मतलब हाई टेम्परेचर में अगर आपको चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर में चाहिए तो इन दैट केस आपका सिलेंड्रिकल या फिर कॉनिकली आपका यूज़ होता है तो स्टीम जैकेटेड परकुलेटर में क्या होता है एक आउटसाइड में इसका परकोलेटर के आउटसाइड में स्टीम आपके स्टीम को भरने के लिए जैकेट लिया रहता है मतलब डबल वाल रहता है डबल वाल रहता है आउटसाइड का परकोलेटर का डबल वाल पर क्या होता है कि दो वाल के बीच में स्पेस रहता है उस स्पेस में स्टीम भर दिया जाता है जिस स्टीम से हीट मिलता है अंदर में जो भी आपका ड्रग या सॉल्वेंट मौजूद है उसे सो so, ये आपका हो गया थ्री टाइप्स ऑफ परकोलेटर फॉर सिंपल परकुलेशन एज वेल एज रिजर्वड वगैरह में भी यही यूज़ होता है ये जो तीन अप्रेटिस आप देख रहे हो सिर्फ सिंपल में ही नहीं रिजर्व एंड मॉडिफाइड जो है उसमें भी यही सेम एप्रेटसेस यूज़ होते हैं खाली आपका सॉक्सलेशन जो है वहाँ पर आपका स्पेशल सॉक्सल एप्रेटस यूज होता है मेथड की बात करें तो सिंपल सिंपलटर परकुलेशन का इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज फर्स्टन विथ मैंस्ट्राम सफिशियंटली एंड पैक्ड इन कॉनिकल परकुलेटर एज आई टोल्ड जनरली मोस्टली आपका कॉनिकल परकुलेटर यूज होता है बट वो आपके डिपेंड करता है ड्रग तो केस टू केस आपका परकुलेटर एप्रोटस जो है वो चेंज भी होता है सो एनी वेज ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रैक्शन आपका प्रोसेस है जहाँ पर क्या किया जाता है सफिशेंट अमाउंट में मैंस्ट्रम को लेकर आपका ड्रग को मॉइशन कराया जाता है साथ ही साथ उसे पैक कर दिया जाता है कोनिकल परकोलेटर के अंदर एंड जो मैंस्ट्रम है उसे आप धीरे 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 ड्रग के ऊपर से पोर करते हो एंड वो ड्रग से आपका जो मैंस्ट्रम है इट पासिस वेरी स्लोली थ्रू द ड्रग ट्वेंटी फोर आवर्स तक लगभग ये चलता है आफ्टर दैट मार्क व्हाट इज मार्क जब आपका सारा एक्सट्रैक्ट सारा सॉल्वेंट आप कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद जो बचे हुए ड्रग रहते हैं जो लेफ़्ट ओवर सॉलिड ड्रग बच जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन उसको कहा जाता है मार्क तो उस मार्क को भी निचोड़ना होता है जिससे क्या होता है उसके अंदर मौजूद जितने भी बचे हुए सॉल्वेंट रहा जो रस रहा जो कि डिजॉल्व हो चुका था सॉल्वेंट में वो भी आपका निकल आएगा तो लास्ट में मार्क को प्रेस कर दिया जाता है एंड फाइनली सारा को तो फिल्टर किया जाता है सो so दैट वहाँ पर आपका किसी तरह का भी जो है अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स ना रह जाए एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस चीज़ को टिंचर और पेलाडोना में वेरियस इसमें स्टेजेस है लाइक साइज रिडक्शन देन इम्बाइपन देन पैकेजिंग सॉरी पैकिंग देन मैसेशन एंड देन पर्कुलेशन सो द वेरियस स्टेप्स स्टार्टिंग विद साइज रिडक्शन क्या होता है इसमें ड्रग जिसको कि एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड अर्लियर प्रिंसिपल के टाइम पे मैंने बताया सारे ड्रग का आपको साइज पहले तो रिड्यूस करना है लाइक like उसको कोर्स पाउडर टू फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली आप उसको ड्राई फॉर्म में लोगे या रॉ फॉर्म में जैसे भी लो तो उसको आपको पाउडर फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करना है देन आपका होता है एम्बाइपसन जिसमें क्या होता है एम्बाइपसन में आप जो वो पाउडर ड्रग था उसे किसी एक क्लोज कंटेनर में किसी भी क्लोज वेसल क्लोज कंटेनर में आप उसे मॉइश्चर करोगे विद द मैंस्ट्रम जिस सॉल्वेंट से आपको एक्सट्रैक्शन करना है उस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करोगे आप ड्रग को मॉइस्चन करने के लिए सफिशेंट अमाउंट में मैंस्ट्रम को लोगे एंड इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फोर आवर्स पूरा चार घंटे तक उसे आप छोड़ दोगे इसी तरह भींगने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है एम्बाइपसन जहाँ पर है वहाँ पर चार घंटे तक आप उसे भीगने के लिए छोड़ दोगे स्वेलिंग के लिए छोड़ दोगे सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रग स्वेल्स एंड द मैंस्ट्रम पेनिट्रेट द सेल वाल जो आपका ड्रग है उसके सेल्स के अंदर एंटर करता है एंड स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है इम्बाइपन इम्बाइपसन करना बहुत ज़रूरी रहता है अगर आप डायरेक्टली एम्बाइपसन नहीं करके डायरेक्टली अगर पैके पैकिंग कर दो उसको परकोलेटर के अंदर जो भी आप लोग क्वनिकल या फिर सिलेंडरकल जो भी लोग अगर डायरेक्टली आप कर दोगे तो क्या होता है ना चांसेस रहता है कि ब्लॉकेजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर डायरेक्टली ड्राई फॉर्म में उसे आप पैकिंग कर दोगे दैट इज़ वाई पहले उसे थोड़ा सा भिंगा लेना है स्वेलिंग कर लेना है देन उसका पैकिंग करता है फाइनल परकुलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप इज पैकिंग पैकिंग में क्या होता है आफ्टर एम वाइपसन जो मॉइस्चर ड्रग है इट इज़ इवनली पैक्ड इन टू द परकुलेटर फॉर विच ग्लास वोल इज़ यूज ग्लास वोल यूज़ किया था कॉटन यूज कॉटन वोल को यूज़ नहीं करना होता है ग्लास वल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या होता है सबसे पहले ग्लास वल को जो है बिफोर पैकिंग ऑफ द इम्बाइव ड्रग इन टू द पर्कुलेटर इट इज़ पास थ्रू अ सीव टू ब्रेक एनी लम्स और मासिस सबसे पहले तो जो आपका ड्रग जिसको क्या पैकिंग करने वाले हो उसको आप <coughs> किसी तरह के सीव से पास करो ताकि उसमें आपको किसी तरह का लम्स ना नजर आए एंड देन जो ग्लास वल है ये पहले आपने कर लिया सेविंग कर लिया ताकि लम्बस ब्रेक हो जाए देन ग्लास वुल को मॉइस्चर करना है किसी भी सॉल्वेंट से मॉइस्चर करो जिस सॉल्वेंट से आपको एक्सट्रैक्शन करना है उसी सॉल्वेंट से एक्चुअली सेम सॉल्वेंट होना चाहिए बाइपसन के लिए परकुलेशन के लिए पैकिंग के लिए तो उसी सॉल्वेंट में आपको क्या करना है ग्लास वल को थोड़ा मॉइस्चर करना है भिगाना है आने के बाद आपको सबसे पहले उसका जो माउथ है परकुलेटर का बिल्कुल नीचे की तरफ ठीक है प्लेस एट द बॉटम ऑफ द परकुलेटर टू तो प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ द आउटलेट और टैप जो नीचे की तरफ आउटलेट है टैप जो है वहाँ पे आपको क्या करना है उसे रख देना है जिससे क्या हो ब्लॉकेज वगैरह ना हो तो इसलिए ग्लास होल रखा जाता है देन आपका मॉइस्चर ड्रग जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके एक बार में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इट इज़ एडेड इन टू द परकोलेटर एंड उसे प्रेस किया जाता है हल्का बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं हल्का हल्का प्रेस किया जाता है आफ्टर ईच एडिशन टिल होल ऑफ द ड्रग इज़ पैक्ड पूरा ड्रग पैक होने तक द ड्रग शुड बी पैक्ड अप टू थर्ड टू थ्री फोर्थ तक ही आपको पैक करना है टू थर्ड से थ्री फोर्थ तक ही आपको पैक करना है एंड इसे क्यों ऐसा करना है ताकि वो फ्रीली फ्लो हो सके मेंस्ट्रम उसके थ्रू अगर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक करोगे या पूरा ऊपर तक भर दोगे ड्रग को ही तो मेंस्ट्रम कैसे पास होगा सॉल्वेंट कैसे पास होगा इसलिए टू थर्ड या थ्री फोर्थ हाईएस्ट जाता है देन पीस ऑफ फिल्टर पेपर को आपको प्लेस करना होता है ओवर द पैकड ड्रग जब आपने ड्रग जितना आपको ऐड करना था टू थर्ड या थ्री फोर्थ तक आपने ऐड कर दिया उसके ऊपर एक फ़िल्टर पेपर रख दो अबव दैट वास्ड सैंड धोया हुआ बालू को आपको रख देना होता है फ़िल्टर पेपर के ऊपर जिससे क्या हो उससे क्या होता है वजन मिलता है आपके नीचे जो ड्रग है ड्रग का जो लेयर है वजन मिलता है फिल्टर पेपर के ऊपर बालू इसलिए रखते हैं ताकि डायरेक्ट बालू आपके ड्रग के साथ मिक्स ना हो जाए एंड वास्ड सैंड होना चाहिए इससे क्या होगा कि जब भी आप मैंस्ट्रम ऐड करोगे तो आपका लेयर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा आपका जो ड्रग का लेयर है वो ऊपर नीचे ना हो उससे वजन मिले दैट इज़ वाई वेन द लिक्विड स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द पर्कुलेटर आउटलेट इज क्लोज अब आप स्टार्टिंग में टैप को ओपन ही रखोगे जैसे ही देखोगे कि अब आप लिक्विड आपका बाहर आना शुरू हुआ टैप को बंद कर दो देन आपको क्या करना है धीरे धीरे अब आपका ऐड करना है सफिशियंट क्वांटिटी में मेन्स्ट्रम जिससे कितना ऐड करना है इससे कि एक अबॉब में अबॉब द ड्रग एक लेयर आपका आपको सॉल्वेंट का नजर आए मतलब सॉल्वेंट सफिशेंटली ड्रग के अंदर जाने के बाद भी ऊपर आपका रहे मतलब ड्रग के ऊपर फिल्टर पेपर है फिल्टर पेपर के ऊपर बालू है बालू के ऊपर भी आपको सॉल्वेंट का लेयर नज़र आना चाहिए उतना आपको भरना है एंड इसे मैसरेट होने के लिए ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए छोड़ देना मतलब इसको आपको अब वो अपना स्वेलिंग होगा एक्सट्रैक्शन होगा उसके लिए ट्वेंटी फोर आवर्स ऐसे ही छोड़ देना इतना डालकर मैसरेशन पैकेजिंग के बाद आफ्टर पैकेजिंग सफिशियंट मैंस्ट्रम इज एडेड टू सैचुरेट द मटेरियल सैचूरेट द मटेरियल मीन्स आपका सॉलवेंट जो है वो सफिशियंटली सैच्यटेड हो जाए मतलब जितना सॉल्यूबल होना चाहिए उतना पूरा भर जाए उसके लिए आपको सफिशेंट अमाउंट में मैंस्ट्रम ऐड करना है स्टॉपर को क्लोज करके रखना है बिटवीन दिस मैसरेशन स्टेप एंड मैंस्ट्रम इज अलाउड टू ड्रिप स्लोली ओवर द बेड आपका ये एक पूरा बेड मतलब लेयर्स है बालू के थ्रू पास होते हुए फिल्टर पेपर से पास होते हुए ड्रग में पहुँचेगा आपका जो सॉल्वेंट है तो उसको आपको धीरे धीरे ड्रिप कराना है ठीक है एंड द परकुलेटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर इसको ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए इस तरह से छोड़ देना है परकुलेशन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स द स्टॉपर इज ओपन चौबीस घंटा हो गया स्टॉपर को ओपन करना, करना, करना है लिक्विड को कलेक्ट करना स्टार्ट करना है धीरे धीरे आपका ड्रिप जैसे कि बताया जाए धीरे धीरे ड्रिप होना चाहिए ऐसा नहीं कि फास्टली आपने स्टॉपर को ओपन कर दिया थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाई ड्रॉप या बहुत ही स्लोली आपका जो है कंट्रोल रेट में आपको स्टॉपर को ओपन करके कलेक्ट करना है लिक्विड या आपका जो सॉल्वेंट रहता है सफिशियंट अमाउंट ऑफ मंस्रम कैन बी एडेड टू अवॉइड द पैक मटेरियल बिकम ड्राई सफिशियंट अमाउंट में स्टार्टिंग से बताया जा रहा है सफिशेंट अमाउंट में आपको मैंस्ट्रम को ऐड करना है ताकि आपका जो मटेरियल है वो ड्राई ना हो जाए चौबीस घंटे में पूरी तरह से सूख नहीं जाना चाहिए इसलिए एक्स्ट्रा आपको मैंस्ट्रम ऐड करना ही है एंड अनटिल कम्प्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग तो जब तक आप, आपका पूरा ड्रग एग्जॉस्ट ना हो जाए यानी कि पूरा का पूरा ड्रग में से जितना भी सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो एक्सट्रैक्ट होकर सॉल्वेंट में जब तक नहीं आए तब तक आपको पूरी तरह से उसमें जो है ऐड करते रहना है वेरियस टेस्ट आर डन टू एग्ज़ामिन कम्प्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग आपको जो है फिर अलग अलग टेस्ट करके देखना है कोई भी वेरियस ड्रग्स के लिए वेरियस आपका टेस्ट अवेलेबल है जिससे आपको देखना है कि आपका जो मटेरियल है वो आपका आपका जो एक्सट्रैक्शन के लिए जो आपने मटेरियल लिया था उसमें से कम्प्लीटली आपका ड्रग निकल गया है कि नहीं जिसको ड्रग एग्जॉशन कहता है वो कम्प्लीट हुआ है कि नहीं लाइक like, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट है टेक अ फ्यू एम एल ऑफ़ परकोलेट आपका जो परकोलेट मतलब जो एब्सट्रैक्टेड लिक्विड है एक्सक्यूज <coughs> मी उसे आपने लिया एंड देन आपको क्या करना है उसे इवापोरेशन करना है अगर वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है नो रेसिड्यूज रिमेन इट मीन्स कि आपका ड्रग जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका है मतलब कि उसमें आपका ड्रग जो है वो पूरी तरह से जितना आना चाहिए था तो वो आ चुका है वो आपको पता चल जाएगा तो ये आपका डायग्राम है आप देख सकते हो जहाँ पे ग्लास वुल है नीचे की तरफ नीचे आप देख सकते हो टैप या स्टॉपर लगा हुआ है टैप है ग्लास वुल है ग्लास वुल के ऊपर आप ड्रग रखे हो देन आपका फिल्टर पेपर एक लाइन आपको दिख रहा है दैट इज़ फिल्टर पेपर देन वाश सैन एंड देन उसके ऊपर आप मैं को भर रहे हो इस तरह से पैकिंग किया जाता है सो एनी वेज सिंपल परकुलेशन के बाद परकुलेशन प्रोसेस फॉर कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशन बट बिफोर दैट टू डेज आई क्यू फैक्ट सो डू ऑल नो ब्रशिंग टिथ वेरी सुन आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग कैन सॉफ्ट इन द टीथ एनामल जी हाँ अक्सर लोगों में आदत होता है इट इज़ अ गुड हैबिट कि खाना खाने के बाद आप ब्रशिंग करो एटलीस्ट दिन में दो बार दैट इज़ मॉर्निंग एंड द नाइट बट अगर आप तुरंत खाने के बाद ही जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ईटिंग तुरंत अगर कुछ खाने या तुरंत पीने के बाद ही आप ब्रश करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है बिकॉज उससे आपका जो टिथ एनामल है वो सॉफ्ट हो सकता है जिससे आपका टिथ बना हुआ है एक्चुअली वो आपका कमज़ोर पड़ सकता है सॉफ्ट हो सकता है सो मेक श्योर कि तुरंत ना करें एटलीस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन यू कैन ब्रश योर टिथ नेक्स्ट आपका परकुलेशन प्रोसेस फॉर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये प्रोसेस आपका दो तरह से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी निकलता है साथ ही साथ सॉलिड फॉर्म में भी एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हो आप एंड यहाँ पे आपके जो दो प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिजर्व परकुलेशन यहाँ क्या है इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट पोर्शन दैट इज़ थ्री फोर्थ ऑफ़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द परकुलेट विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्ट्रेंट इज रिजर्व मतलब यहाँ पे क्या है सेम जैसे सिंपल परकुलेशन में मेथड चला था वही मेथड चलेगा बट कलेक्ट करने के बाद जो आप फाइनल प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हो उसमें पूरा आप कलेक्ट नहीं करोगे थ्री फोर्थ पोर्शन को सिर्फ कलेक्ट करोगे एक्सट्रैक्ट का एंड उसे आपको रिजर्व कर लेना मतलब साइड कर लेना है साइड रख लेना है द पर्कुलेशन इज़ कम्पलीटेड एज यूजल सिंपल प्रोसेस की तरह पर्कुलेशन आपका कम्प्लीट होगा अनटिल द ड्रग एग्जॉस्ट बट द लास्ट पोर्शन जो कि वन फोर्थ आपका रहेगा फाइनल एक्सट्रैक्ट का इट इज़ कलेक्टेड सेपरेटली मतलब आपको थ्री फोर्थ पोर्शन को अलग सेपरेट आपको कलेक्ट करना है स्टार्टिंग में एंड वन फोर्थ को अलग द लास्ट पार्ट इज इवापोरेटेड टू गेट अ सिरप लाइक कंसिस्टेंसी मतलब आप जो एक चौथाई आपको लास्ट में मिला उसको आपको क्या करना है कि पूरी तरह से उसको कंसेंट्रेटेड करना है गाढ़ा करना है जिसके लिए क्या करना है इवापोरेशन आप करोगे तो मैक्सिमम सॉल्वेंट आपका जो एवोपरेट हो जाएगा एंड आपको धीरे धीरे स्टिकी कंसिस्टेंसी मिलेगा सिरप जैसा जब आप बिल्कुल गाढ़ा हो, -like हो जाए आपका एक्सट्रैक्ट सिरप लाइक हो जाए देन आपको जो रिजर्व पोर्शन था दैट इज़ जो थ्री फोर्थ आपने स्टार्टिंग में लिया था उसके साथ मिक्स करना है एंड देन फाइनल वॉल्यूम आपको मेकअप करना है अगर जितना अमाउंट आपको बनाना था उसके लिए आप फिर मैंस्ट्रम ऐड करो तो ये आपका मेथड होता है थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द सिंपल मैसेशन प्रोसेस जिस वजह से इसको रिज़र्व परकुलेशन कहा जाता है बिकॉज स्टार्टिंग पोर्शन आप इसे रिजर्व कर रहे हो एग्जाम्पल है लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्योराइस देन आपका मॉडिफाइड परकुलेशन मॉडिफाइड परकुलेशन क्या है ये भी सिंपल मैसनेशन की तरह ही आपका जो सिंपल प्रोसेस है बस उसी में थोड़ा एक्सटेंशन है जिसमें कि सबसे पहले आप ड्रग को इम्पाइप करते हो जो ड्रग का आपने साइज़ रिडक्शन नॉर्मली किया करने के बाद उससे आप इम्बाइप करते हो दैट इज़ स्वेलिंग कर रहे हो सिंपल मैसरेशन में मैंने बताया स्वेलिंग किया करने के बाद उसको मैसरेट करना है ट्वेंटी फोर आवर्स तक जो आपने सिंपल मैसरेशन में भी किया था वही सेम आपको यहाँ पर भी करना है मैसरेट करना है देन परकुलेशन करना है परकुलेशन करने के बाद आपको थाउजेंड एम एल ऑफ़ द परकुलेट आप कलेक्ट करोगे सो ये आपका हो गया थाउजेंड एम एल थाउजेंड एम एल कलेक्ट करने के बाद अगेन उसको मैशरेट करोगे ट्वेल्व आवर्स के लिए फिर बारह आवर्स के लिए मैशरेट करने के बाद फिर उसमें आप जो है मैंस्ट्रम वगैरह ऐड करो ऐड करने के बाद परकुलेशन करो एंड uh, थाउजेंड एमएल एक्सट्रैक्ट को फिर से आप कलेक्ट करो अगेन थर्ड राउंड में आपका मैसोरेशन होगा ट्वेल्व आवर्स मतलब एक बार ट्वें आपका जो है ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए मैसोरेट करते हैं स्वेल करते हैं फिर आपका परकुलेशन करके जो पैकिंग प्रोसेस है परकुलेशन करके थाउजेंड एम कलेक्ट करते फिर मैसेशन करते हैं अगेन स्वेलिंग जो वो करते हैं बारह घंटे के लिए एंड कलेक्ट करते हैं थर्ड राउंड फिर से मैसरेशन होता है ट्वेल्व आवर्स के लिए एंड देन फाइनली अगेन आपका परकुलेशन को कलेक्ट करते हैं थाउजेंड एम आपका कलेक्ट करते हैं तो ये आपका एक रेशियो है जनरली थाउजेंड एम तो रेशियो क्या है ड्रग एंड परकोलेट का जो रेशियो है थाउजेंड ग्राम के लिए थ्री थाउजेंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका तीन बार थाउजेंड 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 एम एल आपने एक्सट्रैक्ट कलेक्ट किया तो ये आपका जो थाउजेंड एम एल है वो तब है अगर आपका जो ड्रग पोर्शन है वो थाउजेंड ग्राम का है तो इन दैट वे आप समझ सकते हो अगर आपका दस ग्राम हुआ तो आप तीस तीस एम एल तीन बार लोगे हंड्रेड ग्राम रहा तो तीन सौ तीन सौ एम एल तीन बार लोगे तो ये आपका रेशियो है कि ड्रग एंड परकुलेट का जो रेशियो है थाउजेंड ग्राम पर तीन हजार आपका एम एल आपका आएगा सो so ये आपका प्रोसेस हो गया जो कि सिंपल से थोड़ा सा ज़्यादा था सो so नेक्स्ट जो है वो आपका आफ्टर एग्जॉशन ऑफ द ड्रग जब आपका पूरी तरह से एग्जॉशन हो जाता है देन द परकुलेट इज इवापोरेटेड अब क्योंकि इतना सारा आपका आ गया लिक्विड ऑब्वियसली आप तीन हज़ार एम एल तो लेकर चलोगे नहीं थाउजेंड एम एल के लिए तो इसके लिए क्या करना होता है परकोलेट को इवापोरेट करना होता है इवापोरेट करते हैं सफिशियंटली बहुत ज़्यादा आपका है तो इस सफिशियंटली इसको इवापोरेट करते हैं यहाँ कंसेंट्रेटेड के केस में दोनों जगह रिजर्व में भी मॉडिफाइड में भी दोनों जगह आपको क्या करना होता है कि इवापोरेशन करना होता है ताकि कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आपको ड्रग मिले देन आपको मिक्स विद द मेन परकोलेटेड मेन परकोलेट एक्चुअली इट इज़ मेन परकोलेट के साथ आपको मिक्स करना होता है एंड आपका मतलब कि क्या होता है तीनों पोर्शन को आप इवापोरेट करोगे देन तीनों पोर्शन को मिक्सअप करोगे मिक्स करने के बाद फ़ाइनल वॉल्यूम आपको जितना चाहिए जैसे कि मान लीजिए तीन हज़ार एमएल आपका कलेक्ट हुआ उसको आप ड्राई करो ड्राई करो ड्राई करो कंसनट्रेट करो करते करते आप उसको तीन हज़ार से मान लीजिए हज़ार पे ले आए उसके बाद आपको मान लीजिए हज़ार नहीं आपको चाहिए डेढ़ हज़ार तो और पाँच सौ एम आप उसमें लिक्विड ऐड करके अपना फ़ाइनल वॉल्यूम मेकअप कर सकते हो तो ये आपका प्रोसेस हो गया सो विद दिस आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है नेक्स्ट में हम डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड फॉर मोर वीडियोज इन गो एंड चेक माई चैनल होप दट यू हैव फाउंड माई विडियो यूजफुल येस देन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय